आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ आज जनपद पंचायत परिसर से हुआ, जहां विधायक विशाल पटेल, पटवारी, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सचिव, सहायक सचिव, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य विभागों के कर्मचारी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षक मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में मौजूद विधायक विशाल पटेल ने महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनकी ओर से की गई 3 लाख की मेडिक्लेम पॉलिसियां भी वितरित की, जो कि विधायक विशाल पटेल ने खुद प्रीमियम भरकर महिला बाल विकास की कार्यकर्ताओं की पॉलिसियां करवाई थी। जिस तरह स्वच्छता को लेकर गांव-गांव में बिगुल बजा था, घर घर शौचालय का निर्माण कार्य करवाया गया, उसी को लेकर अब गांव में किस तरह से नियमित साफ सफाई हो, गांव में स्वच्छता हो, इन्हीं बातों को लेकर देपालपुर जनपद पंचायत कार्यालय परिसर में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर ब्लॉक स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। देपालपुर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज का कार्यक्रम हमने स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 जो कि भारत शासन के द्वारा कराया जाएगा, जिसमें पंचायत से लेके, जिले से लेके, जनपद से लेके राज्य स्तर की ग्रेडिंग की जानी है कि कौन सा गांव, कौन सी पंचायत, कौन सा जिला, कौन सी जनपद सबसे स्वच्छ है। उसमें गवर्नमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि गाँव हमारा ODA प्लस की श्रेणी में होना चाहिए, जिसमें कि आपका घरों से निकलने वाला निस्तार का पानी उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, आपका सॉलिड वेस्ट जो निकल रहा है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो और लिक्विड जो वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो। इस कार्यशाला आयोजन करने के पीछे हमारी मंशा ये थी कि जब तक हम जो मैदानी अमला है शासन के सारे विभागों का, उसको जब तक इसके लिए सेंसिटाइज नहीं करेंगे तो हमें गांव में काम करने में, लोगों को मोबालाइज करने में, उनका बिहेवियर चेंज करने में हेल्प नहीं मिल सकती। इसलिए हमने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है। यहाँ हमने सारे विभागों के जो मैदानी अमले के लोग हैं सबको बुलाया गया है, इससे हम लोगों को सेंसिटाइज करेंगे। पंचायत लेवल से हम जो सिविल वर्क हैं, जिसमें कि हमको भुनाडेप बनाने हैं, हमको लीचपीट बनाना है, हमें ड्रेन लाइन बनानी है, हमें कचरा वाहन चलाने हैं, ये सारी व्यवस्थाओं का अरेंजमेंट हम पंचायत से कर रहे हैं ताकि हम पूरी अमले को इसमें लगा रखें, जनप्रतिनिधियों का सारा सहयोग रहें। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसका हमारा काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं देपालपुर जनपद प्रदेश नहीं, मैं तो मान के चल रहा हूँ कि हम देश में भी नंबर 1 पे बने। राजू मेड़ा, CEO जनपद पंचायत देपालपुर। इंदौर तो हमेशा 1 आता ही था, लेकिन एक अच्छी चीज़ पहल हुई है कि ग्रामीण क्षेत्र में भी स्वच्छता हो। कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में अभी अवेयरनेस की कमी थी और गांव के अंदर आज भी जो व्यक्ति जानवर पालता है उनका एक बाकायदा घूड़ा हम लोग जो गांव के अंदर बोलते हैं, वहीं वो कचरा भी गांव का फेंकता था। एक अच्छी शुरुआत हुई है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्लास्टिक जो तकलीफ दे रहा है हमको जीवन में, हमारी गौ माताएँ वो खा लेती हैं, बहुत सी बार उनको भी परेशानियाँ होती है और प्लास्टिक से अनेक बीमारियाँ होती हैं, तो ये स्वच्छता अभियान से कहीं ना कहीं एक नई अवेयरनेस भी आएगी और इस देपालपुर में एक जो भयावह की जो बीमारी होती है, कहीं ना कहीं बड़ी बीमारियां होती है, उससे भी हम मुक्ति पाएंगे। आज आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को जो पॉलिसी वितरण किया गया उसको, ये पॉलिसी वितरण काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था। माननीय पूर्व विधायक मनोज पटेल जी ने 2-2, 3-3 बार वो प्रोग्राम इनको इकट्ठी होने नहीं दिया और जब मैंने बांटने का प्रयास किया, जब किसी का कोई भला करने के लिए लगा हुआ है तो उसमें भी उनको तकलीफ होती है। एक नई घोषणा भी आपने की। मैं तो चाहता हूँ कि स्वच्छता का अभियान हो और अच्छा चले और अवेयरनेस, इसीलिए क्योंकि क्लस्टर में 5 से 6 गांव हैं और साइकिल या कोई भी छोटी गाड़ी से कोई आदमी वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए गाड़ी की मैंने घोषणा करी है। और मैं तो निरंतर कहीं ना कहीं प्रयास पर रहता हूँ कि हम देपालपुर विधानसभा में लोगों का भला कैसे कर सकें, उसी निरंतर प्रयास पर रहता हूँ। खुद मैं जाऊँगा जहाँ, क्योंकि एक बड़ी सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि गाँव के अंदर जो हमारे घूड़े हैं वो रोड के साइड्स में रहते हैं बहुत सी बार, और जब वो हटाना रहता है तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी तकलीफ होती है, कोई हटाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो मैंने यही कहा कि जहां तकलीफ आए मुझे आप खुद याद कीजिएगा, मैं व्यक्तिगत तौर पर निवेदन करूंगा गाँव वालों से। हाल ही में लोकसभा और विधानसभा में हमें पूरा विश्वास है कि हम निश्चित तौर पर जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पर है, आम व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशान है, तो निश्चित तौर पर आते हुए समय में सभी रिजल्ट जो हैं वो कांग्रेस के पक्ष में होने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।